सबसे पहले मेरी बहनों और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद मैं मैडम तहमीना अमी सोशल वेलफेयर ऑफिसर जामपुर, आफ्ताब नवाज मस्तोई साहब प्रेसिडेंट नीला ऑर्गेनाइजेशन, और वो तमाम मीडिया के दोस्त अहबाब जो यहाँ तशरीफ लाए हैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने आज की ये तकरीब ये सेमिनार अरेंज किया है। और इस शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि हमें कुछ दिन पहले ही जनाब कमिश्नर डीजी खान की तरफ से हिदायत मौसूल हुई थी कि आप कम्युनिटी में लोगों को अवेयरनेस दें, आगाही दें खवातीन के हकूक़ के बारे में और खवातीन के राइट्स के बारे में, और इसके साथ साथ खवातीन पे जो तशद्दुद होता है उसके बारे में लोगों को आगाही पैदा करें कि ये एक जुर्म है और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो मैं आज उम्मीद करती हूँ कि आज के सेमिनार में आपको पूरी तरह से आगाही दी जाएगी। मैं थोड़ा सा आज पास करूँगी क्योंकि आज ये क्योंकि डीजी खान मुझे जाना है, एक मीटिंग अचानक आ गई है, वरना मैं आप लोगों के दरमियान मौजूद रहती। हमारी जो सोसाइटी है, हमारा माशरा है, यहाँ आप देखें जज करें तो आप महसूस करेंगे कि खवातीन और बच्चे तशद्दुद का आसानी से शिकार हो जाते हैं। ऐसा है ना, यहाँ पे टारगेट किया जाता है बच्चों को और फिर खवातीन को। हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, हम जितना भी कोशिश कर रहे हैं फर्क ज़रूर आ रहा है, लेकिन फिर भी आए रोज़ हम देखते हैं कि बच्चों पे तशद्दुद किया जा रहा है, उसके बाद खवातीन पे तशद्दुद किया जा रहा है। तो एक इसकी क्या वजूहात है और हम इस पर कैसे काबू पा सकते हैं? सबसे पहले तो हमें अपने अंदर के इंसान को तब्दील करना चाहिए और हमारी जो इस्लामी दीनी तालीमात हैं उनको देखना चाहिए। हमारा दीन इस्लाम एक मुकम्मल नाहे अमल है जिंदगी गुजारने का। अगर हम उसे देखें तो उसमें वाज़ह तौर पे फरमाया गया है कि औरत को इंसान की मर्द की पसली से पैदा किया गया है जो कि दिल के करीब है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप औरत को इज्जत एहतराम दें, मोहब्बत दें, प्यार दें, ना कि उसे तशद्दुद का निशाना बनाएं। कमी कोताही गलती हर इंसान से होती है, अगर इंसान से ना हो तो वो फरिश्ता कहता है। तो हम इंसान हैं, अगर कोई एक दूसरे की गलती कोताही होती है तो उसे बर्दाश्त करना सीखें। और इस्लाम की तालीमात पे जो हकूक अल्लाह ताला ने हमारे दीन ने हमें दिए हैं उस पे अमल पैरा होके हम अपने घर को अपने माशरे को खुशहाल बना सकते हैं। आज यहाँ पे 100-150 या इससे ज़्यादा लोग मौजूद होंगे, तो मैं कहती हूँ अगर आप लोग अपने घर में अपने बच्चों की तरबियत अभी से इस्लामी नहज पे करें तो मैं समझती हूँ कि कोई वजह नहीं कि हमारा माशरा तरक्की ना करे। हम उनमें ये ताज़ाब पैदा ना करें, ये बेटा है तो इसे ज़्यादा दें, ये बेटा है तो इसे अच्छी तालीम दें, अच्छे स्कूल में पढ़ाएँ, ये बेटा है तो इसे अच्छी खुराक दें, बल्कि दोनों को बराबर रखें और दोनों को ये तालीम दें कि एक दूसरे की इज्जत एहतराम करना है। तो मैं समझती हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब हम मैं आप और सब मिलके अपने घरों को अपने मोहल्लों को अपनी सोसाइटी को तरक्की याफ्ता पाएंगे और वो चीज़ें जो इस नुकसान दे हैं इस सोसाइटी में वो दूर हो जाएंगी। यहाँ से अगर थोड़ा ही फासला है, रसूलपुर एक इलाका है, आप सबको पता है वहाँ पे तालीम की रेशो 100% है। क्यों है? क्या वहाँ पे कोई बाहर का तो कोई बंदा नहीं आता? वहाँ पे होटल ये गेम्स और पता नहीं क्या थे जो आजकल बच्चों के लिए खुली हुई है वो नहीं है। तो क्या वजह है? कोई बाहर का तो इम्प्लीमेंटेशन करने तो नहीं आता बंदा, वहाँ के अपने लोग हैं जो तालीम पर तवज्जो देते हैं, जो बच्चों की तरबियत पर तवज्जो देते हैं। और हर जगह पे रसूलपुर का नाम आप सुनते हैं। इवन के पिछले दिनों यूएसए से एक कॉन्सुलेट आए हुए थे विलियम साहब, तो उन्होंने भी रसूलपुर का विजिट ज़रूर किया। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे ज़िला राज्य
समझते को तब्दील करने के लिए। बहुत शुक्रिया। इन अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को इज्जत और तकरीर दे और अपनी राह में चलने की तौफीक अता करे।